कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हें पीठ दर्द और पैर में दर्द के बाद नोएडा के सेक्टर 11 स्थित मेट्रो हॉस्पिटल ले जाया गया था। इसके बाद से ही डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। रॉबर्ट वाड्रा के हॉस्पिटल में भर्ती होने की सूचना मिलने के बाद सोमवार शाम 7:30 बजे के करीब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हॉस्पिटल पहुंची। प्रियंका गांधी वाड्रा हॉस्पिटल में थोड़ी देर रुकी और वहां से निकल गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो वापस हॉस्पिटल में आई और इसके बाद प्रियंका गांधी लगातार रात भर से अपने पति के साथ हॉस्पिटल में ही मौजूद है। अभी भी वो हॉस्पिटल में मौजूद है और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा कर रही है। फिलहाल मेट्रो हॉस्पिटल में रॉबर्ट वाड्रा के पीठ दर्द और पैर दर्द का इलाज किया जा रहा है। मेट्रो हॉस्पिटल के सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन रॉबर्ट वाड्रा का इलाज कर रहे हैं। पूरे हॉस्पिटल को एसपीजी की टीम ने अपने घेरे में ले लिया है। आपको पता ही होगा कि रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के जीजा हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन मामले में कई जांचों का सामना कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय भी उनसे पूछताछ कर चुका है।